होने वाला है। तो अभी बज गए हैं 2 बज रहे हैं मतलब, और मम्मा चली गए एग्ज़ाम देने। आज है 20 तारीख, ये ब्लॉग भी 20 तारीख को ही आएगा। और यहाँ पर अमू है, और अमू से मैं अभी अभी दूसरे वाले बेडरूम के बाथरूम से ये बाल्टी मंगाया हूँ, क्योंकि जो हमारा ये वाला बाथरूम है, मास्टर बेडरूम वाला बाथरूम, लगता नहीं कि मतलब ये मास्टर बाथरूम है। ये देखो कितना छोटा सा है, मतलब ज़्यादा भी छोटा नहीं है पर छोटा सा है। तो मेरे को क्या करना है कि मेरे को अभी अपने कूलर पे पानी भरना है, तो मैं इसको ऐसे चालू कर दूँगा। अरे बहुत तेज मतलब इसमें पानी आता है, बहुत तेज। ये 2 डब्बे हैं हमारे पास, एक 3 बाल्टी वाला, तो वो भर जाएगा। तो मैं मतलब 2 बाल्टी पानी अभी डाल दूँगा। और मैं क्या करता हूँ कि बड़े वाले टब में, जो अपना बड़ा वाला बाथरूम है मेरे रूम वाला, उसमें मैं बड़े वाले टब में भर के रख देता हूँ, तो वो ठंडा जाता है पानी। ठंडा होने के बाद बढ़िया भर देता हूँ उसको, तो फिर वो कूलर को भी, कूलर भी मतलब अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा देने लग जाता है। तो बस हो गया। और आज यहाँ ब्लॉग भी मतलब लेट ही स्टार्ट हुआ, 2 बज गए यार। सुबह से मतलब कुछ सीन ही नहीं बन रहा था ब्लॉग का, तो क्या कर सकता हूँ। और ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, तेजी से पानी आ रहा है इसमें। और आपको रामू देख रही है टीवी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अभी तो वहाँ पर बैठी है, अभी तो यहाँ पर बैठी, पर वो फिर तो वहाँ पर बैठती है, यहाँ पर बैठती थी मतलब एकदम घुस जाती उसमें। और आज अपने पास लंच में था, आज हमारे पास लंच में था आलू प्याज की सब्जी, पना मतलब कच्चे आम का पना, कच्ची कैरी से बनता है ये दाल। गिर गया, गिर गया, गिर गया, बच गया। चावल बस। अरे यार बाल्टी भर गई यार। देखो कितना तेज पानी, मतलब पूरी पानी भर गया यहाँ पर, इतना तेज ही पानी आता है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ टाइम लैप्स। तो है गाइस, अभी बज गए हैं 5:10। तो अभी मैं फ़ोन लगाने वाला हूँ अपने ट्यूशन वाले सर को और अपने सर को, पूछने वाला हूँ कि सर आज आना है कि नहीं, क्योंकि सर बोले थे कि आज का कन्फर्म नहीं रहेगा, पूछ लेना एक बार। और मम्मा भी गई एग्ज़ाम देने, तो मम्मा भी आती ही होंगी अब, वो भी अब देखते हैं। तो गाइस अभी हम मार्केट आए थे, और देखो सब मेरे को समझ रहे हैं कि मैं सफाई कर्मचारी हूँ। ये देखो पोछा लेके मैं गांधी चौक में खड़ा हूँ, ये देखो पीछे हमारा गांधी चौक है, यहाँ पर सब्जी ले रहे हैं हम लोग। तो बस हो गया, और मैं सब मेरे को समझ रहे हैं कि मैं हूँ सफाई कर्मचारी। और अभी हमको बुढ़ार भी जाना है, और आज ट्यूशन की छुट्टी पड़ गई है पुलिस वाले। तो गाइस अभी डैडी का फ़ोन आया, डैडी पहुंच गए सोन नदी, और आमू को देखो मतलब एकदम जा मुझे समझ नहीं आया कि आज उसका इस्तेमाल किया। कूलर भी हमारा चल रहा है, और आपको हो सकता है कि आवाज़ तेज आ रही हो, आवाज़ आपको धीमी ही आ रही होगी क्योंकि स्पीकर की साइड से, इसलिए आप थोड़ी सी तेज आई होगी। और इस साइड पर अपना कैमरा, इस साइड से ये देखो इधर कैमरा अपना, और इस साइड पे है स्पीकर, तो हो गया। और बस पता नहीं क्या देख रही, मैकेनिकल हैंड देख रही है, दिखाता हूँ आपको। मैकेनिकल देख रही है मतलब मैकेनिकल हैंड होता है ना, पूरी दुनिया में एक ही है कार्डबोर्ड से बना वही वाला। तो गाइस अभी मतलब 9 बज चुके हैं, और डैडी अभी तक नहीं आए, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। ये देखो 9 बज चुके हैं, यहाँ आमू रेडी हो गई है, अभी इसके बाल बनाए थे पूरे बाल, ये हाथ मार मार के पूरे बर्बाद कर दिए। और मम्मा भी हैं, मम्मा भी मतलब तैयार हो गई हैं जाने के लिए, और मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट हो। और हमको कितने 3 जगह जाना है, और हमको 3 जगह जाना है। बुढ़ार में कितनी जगह, चरोल में 2 जगह जाना है, बुढ़ार में हमको 1 ही जगह जाना है। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देता हूँ, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और ब्लॉग में, क्योंकि ये जो हमको मतलब देख सकते हो 9 बज गए हैं, अगर मिनिमम हम 1 घंटे भी अगर हर जगह रुकते हैं तो मतलब 3-12 तो वैसे ही बच जाएंगे, आने तक 1 आराम से बच जाएंगे। तो वो मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।
ओए ओए ओ जो गाए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात।